अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी स्वाध्याय पोथी में लेखन कार्य करेंगे। अगले वीडियो में हमने अपना इकाई नंबर 16 पहेलियाँ उसका वीडियो देखा था। चलो प्रश्न एक है। कौस्तक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं, ब्लैंक में वही आंसर्स है। ओके, पहाड़ है पर पत्थर नहीं, नदी है पर जल नहीं। अब दूसरा है, 3 अक्षर का मेरा नाम, सिर के ऊपर मेरा स्थान। अंत कटे तो पग बन जाऊं, मध्य कटे तो पड़ी रहूं। छोड़ दे धागा तो करे सलाम, गोल गोल घर है मेरा, हर कमरे में रस। धरती में मैं पैर छिपाता, आसमान में शीश उठाता। अब दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पैर अपने पैर कहाँ छिपाता है? पैर अपने पैर धरती में छिपाता है। पैर भोजन किससे करता है? पैर अपने पैरों से भोजन करता है। तीसरा है, जलेबी का घर कैसा है? जलेबी का घर गोल है। मानचित्र का समानार्थी शब्द लिखिए। मानचित्र का समानार्थी शब्द नक्शा है, जो हम मैप कहते हैं वो नक्शा। कागज का घोड़ा और धागे की लगाम किसके लिए कहा गया है? कागज़ का घोड़ा और धागे की लगाम पतंग के लिए कहा गया है। पैर क्यों चल नहीं पाता है? पैर अपनी जड़ों से एक जगह स्थिर है, इसलिए वह चल नहीं पाता है। यानी जो पैर की जड़ें हैं, उसने ज़मीन को जकड़ रखा है, इसलिए वो चल नहीं पाता है। पैर हमें किस तरह मददगार होते हैं? पैर हमें छाया देते हैं, फूल फल देते हैं, लकड़ी देते हैं, जीने के लिए अत्यंत उपयोगी प्राण वायु देते हैं। अब 8 नंबर वाला, पतंग के कौन कौन से नाम होते हैं उनकी सूची बनाइए। पतंग के अलग अलग नाम है, ढाल, डुग्गा, चांदेदार, आँखेदार, चील, दुमदार, तुक्कल, नवरंग आदि है। निम्नलिखित शब्दों के विरोधार्थी शब्द पहेलियाँ में से ढूंढ कर लिखिए। जो अपनी पहेलियाँ वाला इकाई है उसमें से फाइंड आउट करके लिखना है। आसमान धरती, गिराता उठाता, नीचे ऊपर, शुरुआत अंत, गांव शहर, पकड़ना छोड़ना। अब दूसरा पेज, प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द पहेलियाँ में से ढूंढकर लिखिए। ये जो वर्ड्स है, हर रोज, सरिता, पांव, पैर, पृथ्वी, मस्तक, कक्ष, पर्वत और आकाश, इसके जो सिनोनिम्स पोएम में दिए गए हैं वही आपको यहाँ पे लिखना है। हर रोज यानी हमेशा, सरिता यानी नदी, पांव यानी पैर, पैर यानी वृक्ष, पृथ्वी यानी धरती, मस्तक यानी शीश, कक्ष यानी कमरा, पर्वत पहाड़, आकाश आसमान। मैंने ओरली बोल दिया है, आपको लिखना है। ओके, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है। सरिता, नर्मदा बहुत बड़ी सरिता है। और दूसरा सेंटेंस है, नर्मदा बहुत बड़ी नदी है। पांव, सूरज की रोशनी से पांव को कैल्शियम मिलता है। सूरज की रोशनी से पैर को कैल्शियम मिलता है। थर्ड वन, पेड़, पेड़ हमें छाया देते हैं। उसका सिनोनिम्स है वृक्ष, वृक्ष हमें छाया देते हैं। पृथ्वी, पृथ्वी सूरज के आसपास घूमती है,
धरती सूरज के आसपास घूमती है। मस्तक, हमें बड़ों के आगे मस्तक झुकाना चाहिए। हमें बड़ों के आगे शीश झुकाना चाहिए। कक्ष, मेरे घर में चार कक्ष है। मेरे घर में चार कमरे हैं। पर्वत, राहुल पर्वत पर चढ़ता है। राहुल पहाड़ पर चढ़ता है। आकाश, आकाश बहुत बड़ा है। आसमान बहुत बड़ा है। अब लास्ट वाला है, पढ़िए और अर्थ लिखिए। बिसों का सिर काट लिया, ना मारा ना खून किया। हम बिसों का सिर नियमित रूप से काटते रहते हैं, फिर भी ना उनको मारते हैं ना उनका खून करते हैं। यहाँ पे अपना जो इकाई नंबर 16 है, 16 पहेलियाँ, उसके सभी क्वेश्चन आंसर्स और दूसरे भी जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं। आपको वर्कबुक में और हिंदी की नोटबुक में लिखना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।